हेलो गाइस। और आज हम लोग ITGM 2016 से 2005 के क्लासिकल मैकेनिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, हमने इसके 5 पार्ट बना चुके हैं, 5 लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 6 है। तो इस लेक्चर नंबर 6 में आप देख सकते हैं, ये जो जैम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आई थिंक जैम 2011 का है, आई एम नॉट श्योर। क्वेश्चन रीड करते हैं। 3 masses M, 2M, and 3M आर मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विद स्पीड्स 3U, 2U, and U रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। आपको 3 मास दिख रहा होगा दोस्तों, एक एम दिख रहा होगा, दूसरा 2M दिख रहा होगा, और तीसरा 3M दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मास M है, ये 3U स्पीड से इधर अप्रोच कर रहा है। मास 2M जो है 2U स्पीड से इधर अप्रोच कर रहा है, और 3M जो है इधर यू स्पीड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ओके। और ये देखिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, द 3 masses कोलाइड एट द सेम टाइम एट पी एंड स्टिक टुगेदर, द वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टिंग मास वुड बी। दोस्तों कह रहा है कि जो तीनों मास है पॉइंट पी पे आके ओरिजिन पे कोलाइड कर जाता है, और कोलाइड करने के बाद वो एक साथ जुड़ जाते हैं, स्टिक टुगेदर हो जाते हैं। तो तीनों जब पॉइंट पी पे आके कोलाइड करके स्टिक हो जाते हैं, जुट जाते हैं, तो जुटने के बाद जो एक रिजल्टेंट मास बनेगा, तो उस रिजल्टेंट मास का वेलोसिटी कितना होगा। और वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि हमें डायरेक्शन के टर्म में ही बताना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, तो हमें स्टार्टिंग से डायरेक्शन के टर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे चूंकि पर्टिकुलर एक किसी डायरेक्शन पे मोशन नहीं है, ना तो एक्स में ना तो वाई में, यहाँ पे कंबाइंड मोशन है। जैसे मास 3M का मोशन जो है ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना तो वाई डायरेक्शन में है कम्प्लीटली, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। इसका कंपोनेंट एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। उसी तरह मास 2M का भी एक्स वाई दोनों में होगा। मास जो एम है इसका तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मोशन। तो इसका मतलब है कि हमें लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों का ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन। तो लीनियर मोमेंटम इनिशियली अलोंग एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनली अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी कि इनिशियली एक्स डायरेक्शन में जितना लीनियर मोमेंटम होगा और फाइनली जितना एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा, दोनों मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आइए इस कंजर्वेशन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियली अगर लीनियर मोमेंटम का बात करें, तो हमारा जो मास एम है, ये मास एम का मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम मल्टीप्लाइड बाई 3U, एम मल्टीप्लाइड बाई 3U। और इसका डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी का, प्लस एक्स एक्सिस में, मतलब आई कैप प्लस आई कैप। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा मास 2M है, ये मास 2M का जो वेलोसिटी है 2U, इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा 2U cos 60। एक्स एक्सिस की तरफ कितना हो जाएगा, 2U cos 60 वेलोसिटी हो जाएगा अगर तोड़ेंगे तो कंपोनेंट, और वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा 2U sin 60, आपको कंपोनेंट मालूम होगा। तो अभी एक्स एक्सिस का मोशन का बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मास तो 2M है, मास 2M। ठीक है, और मास 2M के साथ ये कुछ इस तरह से मास 2M है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे अप्रोच करेगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे अप्रोच करेगा। तो मास 2M का 2M और वेलोसिटी कितना है इसका 2U, एक्स एक्सिस में बात करेंगे तो 2U cos 60, 2U cos 60 और माइनस आई कैप, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका अगर रिसोल्यूशन लेंगे, चूंकि इसका डायरेक्शन इधर है, तो रिसोल्यूशन लेंगे एक्स एक्सिस में तो इधर हो जाएगा और वाई एक्सिस में इधर हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस में नेगेटिव एक्स एक्सिस को ही अप्रोच करेगा, यानी कि माइनस आई कैप। तो आई कैप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और ये माइनस साइन देखिए आगे में आ चुका है। ठीक है, उसी तरह अगर मास 3M का इनिशियली बात करेंगे, तो मास 3M भी इनिशियली इसका भी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा कुछ ना कुछ, आप देख सकते हैं, चूंकि यू इधर अप्रोच कर रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इस तरह से नेगेटिव एक्स को अप्रोच करेगा और एक पॉजिटिव वाई को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा यू है वेलोसिटी, तो इधर हो जाएगा यू कॉस 60, इधर कितना, इधर इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा यू कॉस 60,
और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा यू साइन 60, ठीक है। तो यू कॉस 60 हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, वो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो मास कितना है, मास 3 m है, आप देख सकते हैं स्पीड यू है, यू इंटू कॉस 60, और ये भी माइनस आई कैप डायरेक्शन में है दोस्तों इनिशियली। तो आई कैप और उसका माइनस साइन देखिए यहाँ पे आगे आ चुका है, इज इक्वल टू, ये तो हो गया इनिशियली, इनिशियली मास m 2 m और 3 m का एक्स एक्सिस में इतना लिनियर मोमेंटम है। अब आप अगर बात करेंगे कि फाइनली क्या होगा, तो फाइनली मास 2 m 3 m और m तीनों यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 6 m टोटल मास हो जाएगा। और ये लोग किस वेलोसिटी से चलेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जिस भी वेलोसिटी से चलेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी होगा वो भी एक्स होगा। यहाँ पे वेक्टर साइन में देने भूल गया हूँ, आप वेक्टर साइन लेके ही चले तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग का जो अभी आएगा रिजल्ट वी एक्स का वेक्टर के टर्म में आएगा, ठीक है। हम लोग मान लिए दोस्तों कि जो तीनों मास है ये जब पॉइंट पी पे स्टिक टुगेदर हो जाएंगे, उसके बाद जो मोशन होगा उसका रिजल्टेंट मास का, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा मोशन का, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना है, मान लिए हम लोग वी एक्स है, ठीक है, इसी वी एक्स को निकालना है। उसी तरह जब वाई कंपोनेंट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे वी वाई मान लेंगे, उसको भी निकाल लेंगे, और वी एक्स वी वाई को एड कर देंगे तो टोटल वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इतना बात। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, ये 3 mu आई कैप माइनस यहाँ पे ये 2 × 4 mu/2 कॉस 60 1/2 होता है, साइन 30 के बराबर वैल्यू होता है कॉस 60 का, यानी 1/2। तो यहाँ से 1/2 एक आ गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे में 2 है, और आई कैप माइनस यहाँ पे 3 mu/2 आई कैप, इधर 6 m भी एक्स में वैक्टर लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2 से यहाँ 2 कट चुका है, यहाँ 2 रह जाएगा क्योंकि वहाँ पर 3 ऊपर में। तो अब हम mu इधर से कॉमन ले रहे हैं, mu कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 i कैप, यहाँ पे 2 i कैप, और यहाँ पे -3/2 i कैप, और इधर 6 m vx है, ठीक है। तो देखिए आप m और m कट चुका है, तो बचा कितना दोस्तों, इधर इधर u बचा, और ब्रैकेट में 6 i कैप, ब्रैकेट में अगर एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 2 × 3 = 6 i कैप, यहाँ पे 2 × 2 = 4 i कैप, और यहाँ पे 3 i कैप, और ये जो 2 था दोस्तों इसको हम इधर ले गए तो 12 vx हो गया, m तो कट चुका था, 12 vx हो गया, ठीक है, और ये अपना बेचारा कॉमन में है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ vx निकालेंगे तो vx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप उससे पहले यहाँ देख लें, 6 i कैप -4 कैप और -3 i कैप, इसको सॉल्व करेंगे तो -i कैप बचेगा, तो -i कैप तो -u, और यहाँ से एक आई कैप बचा तो -u i कैप, -u i कैप, और ये 12 आके इधर डिवाइड हो गया, तो डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू vx, वेक्टर फॉर्म में दरअसल ये, ठीक है, तो ये वेक्टर vx निकल गया, यानी कि जो रिजल्टेंट मास है दोस्तों उसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकल गया, कितना निकला, -u/12 i कैप। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हमें जो रिजल्टेंट बॉडी है उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, और देन vx vy को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके गाइज, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अलॉन्ग y डायरेक्शन लगाएंगे, यानी कि इनिशियली जितना भी लिनियर मोमेंटम होगा अलॉन्ग y डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू फाइनली जितना भी लिनियर मोमेंटम होगा अलॉन्ग y डायरेक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला मास m है, ये जो पहला मास m है इसका मोशन y डायरेक्शन में है ही नहीं, इनिशियली इसका मोशन y डायरेक्शन में है ही नहीं, तो इसका 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 है, ठीक है। सेकेंड का क्या है भाई, 2 m मास का देखते हैं, तो ऑफकोर्स 2 m मास का एक कंपोनेंट इधर होगा वेलोसिटी का, इस तरह से डाउनवर्ड, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस में, और चूंकि ये 2 u स्पीड है तो इधर वो x एक्सिस में कंपोनेंट 2 u cos 60 था, और इधर वाला कंपोनेंट 2 u sin 60। तो मास है 2 m, स्पीड है 2 u sin 60, वो भी नेगेटिव y एक्सिस में, तो उसी के अकॉर्डिंग आइए यहाँ पे लिख लेते हैं इसका मोमेंटम। मास 2 m है, स्पीड है 2 u sin 60, और नेगेटिव y एक्सिस में, यानी -j कैप। तो यहाँ देखिए आपको j कैप और उसका माइनस को आगे में हम ले आए हैं। अब मास 3 m को देख लेते हैं, ये जो मास 3 m है इसका भी स्पीड u है, तो ये जो इसका स्पीड u है उसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा u cos 60 और इधर वाला होगा u sin 60, है ना,
इधर वाला होगा यू साइन 60, लेकिन इधर वाला जो होगा वाई के अलोंग वाला वो आप देख सकते हैं इनिशियली पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर है, यानी प्लस जे कैप डायरेक्शन होगा। तो मास है 3 m, स्पीड है यू साइन 60 और प्लस वाई एक्सिस में यानी कि प्लस जे कैप डायरेक्शन होगा। मास 3 m, स्पीड यू साइन 60 और डायरेक्शन है प्लस जे कैप, ठीक है। तो इनिशियली मास m, 2 m, 3 m का मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग लिख लिए जितना था। अब हमें फाइनली लिखना है कि वाई एक्सिस के अलोंग इन लोग का मोमेंटम कितना होगा, तो वो तो हमें पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि मास 2 m, 3 m और m मिल गया है यहाँ इस पॉइंट पे। उसके बाद इन लोग जिधर भी जा रहा है उधर का जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, हमें तो ये भी नहीं पता इन लोग किधर जा रहा है उसके बाद, तो इसीलिए हम लोग अपने से भी वाई ले रहे हैं। अगर वाई में जा ही नहीं रहा है तो भी वाई 0 आ जाएगा, अगर जा रहा है तो कितना डायरेक्शन से क्या जा रहा है वो सब निकल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जुटने के बाद मास हो गया 3 m, 2 m और m 6 m, और इन लोग का जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का फाइनली स्टिक टुगेदर होने के बाद वो भी वाई है, ठीक है। और उसी भी वाई को निकालना है। तो मास 6 m फाइनली और स्पीड ये वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं भी वाई को, तो जहाँ जहाँ भी वाई है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, हमने स्किप किया है सोल्यूशन में वेक्टर फॉर्म को, लेकिन वास्तविकता हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ से ये जो मास था m, यहाँ से मास जो था m और यहाँ से जो मास m था, सॉरी ये मास m कट चुका है, ठीक है, मास दोनों साइड से कट चुका है। तो इधर क्या बचेगा, माइनस यू और ये साइन 62√3 जे कैप, सॉरी 3/2, साइन 60 के बोले 3/2, तो एक 2 से नीचे का इसका 2 कट जाएगा और बचेगा 2 माइनस 2u√3 जे कैप। इसका बचेगा देखिए 3 और m कट चुका है तो 3u, तो देखिए u बच गया, 3 बच गया और ये साइन 60√3/2 और जे कैप, और उधर बचा 6 और भी वाई क्योंकि m कट चुका है। अब अगर आप यू और जे कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए आप यू कॉमन ले लीजिए और जे कैप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से -2√3, सॉरी पहले हम प्लस वाला टर्म को लिख रहे हैं, तो यू कॉमन और जे कॉमन लेने के बाद 3√3/2 बचा, और जो सेकंड वाला टर्म है उसमें -2√3 बचा इज इक्वल टू 6 vy। यहाँ से आप कुछ नहीं कीजिए, आप इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 × 2 = 4√3, तो 3√3 - 4√3 और ये 2 के इधर चला गया तो 12 vy। 3√3 - 4√3 यानी 3√3 में 4√3 गया तो -√3 बचेगा दोस्तों, तो -√3 और यू और जे कैप और 12 आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो भी वाई वैक्टर आया दोस्तों कितना है आफ्टर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, -√3/12 यू जे कैप, ठीक है। तो ये जो हमारे रिजल्टेंट मास है, रिजल्टिंग बॉडी है दोस्तों, उसका वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं -√3/12 यू जे कैप, और इसको इक्वेशन 2 माने हैं। अब हमें जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा दोस्तों रिजल्टिंग बॉडी का, वो होगा वी इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई। तो वी एक्स कितना था यू बाई 12 माइनस आई कैप, और वी वाई कितना है -√3/12 यू जे कैप। तो हम लोग दोनों से यू और 12 कॉमन ले लिए, तो इसमें -√3 जे कैप बचा आप यहाँ देख सकते हैं, और जो फर्स्ट वाला था उसमें माइनस आई कैप बचेगा यू बाई 12 कॉमन लेने के बाद, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन 1 में हम लोग निकाले थे -u/12 i कैप। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया दोस्तों -u/12 - i कैप - √3 j कैप, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों। तो इस तरह से हम चारों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सिर्फ ऑप्शन ए लिखे हैं जो गलत है, और ऑप्शन बी लिखे हैं जो सही है u/12 √3 j कैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट दृष्टिकोण से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो जैम 2011 या शायद आई थिंक इस ईयर का है। ओके, सो जो क्वेश्चन है दोस्तों, ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी इक्वल टू वी नॉट आई कैप प्लस जे कैप कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2 m विच इज एट रेस्ट इनिशियली। हियर वी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल है जिसका मास एम है और वो कितना वेलोसिटी से इनिशियली मूव कर रहा है वी इक्वल टू वी नॉट आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब ये इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है अनदर पार्टिकल के साथ जिसका मास 2 m है और इनिशियली वो रेस्ट में है।
अब आपको चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही है बताना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखते हैं। पहला ऑप्शन में बोल रहा है दोस्तों, द डायरेक्शन अलोंग विच द सेंटर ऑफ मास मूव्स बिफोर कोलिजन इज -1/√2 अंडर ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप। यानी कि कोलिजन होने से पहले जो सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन है दोस्तों वो ये है। तो आइए देखते हैं निकाल के। दोस्तों इनिशियली आप देखेंगे तो जो पहला बॉडी है उसको ए मान लीजिए जिसका मास m है, और सेकेंड बॉडी को बी मान लीजिए जिसका मास 2m है। तो इनिशियली जो हमारा पहला बॉडी का वेलोसिटी है दोस्तों वो तो इतना दिया हुआ है वी नॉट आई कैप प्लस जे कैप, लेकिन दूसरा बॉडी रेस्ट में तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें तो इनिशियली जो वी सी एम होगा, इनिशियल वी सी एम यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ आई कैप कितना होगा दोस्तों, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इन द एक्स डायरेक्शन इनिशियली। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट बॉडी है उसका इनिशियली वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वी नॉट आई कैप और वाई डायरेक्शन में वी नॉट जे कैप, लेकिन सेकेंड बॉडी जो है दोस्तों उसका वेलोसिटी एक्स में भी जीरो है और वाई में भी जीरो है। तो एम इंटू वी नॉट हो गया प्लस सेकेंड बॉडी का बात करें तो 2m इंटू सेकेंड बॉडी का तो वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो है, तो जीरो डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी m प्लस 2m। दोस्तों हम ये यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना, आपको मालूम होगा कि m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये होता है VCM, सेंटर ऑफ मास में पढ़े होंगे क्लास 11 में, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ y कंपोनेंट निकालेंगे तो फर्स्ट मास m और उसका वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी तो वी नॉट जे कैप है, तो मैग्नीट्यूड तो वी नॉट ही होगा वी नॉट, प्लस सेकेंड मास 2m उसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी m प्लस 2m, और डायरेक्शन लगा दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आई कैप होगा और ये जे कैप होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये पूरा है अलॉन्ग वाई एक्सिस के इसका सेंटर ऑफ मास का इनिशियल ए बिफोर कोलिजन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, ये चीज़ जीरो हो गया तो यहाँ से एम और यहाँ से एम एम कट जाएगा तो वी नॉट बाई, यहाँ से आएगा देखिए क्या आएगा एम एम थ्री एम तो वी नॉट बाई थ्री आई कैप, यहाँ से भी देखिए ये टर्म जीरो हो गया तो ये एम एम यहाँ से कट जाएगा वी नॉट बाई थ्री आएगा यानी वी नॉट बाई थ्री आई कैप प्लस वी नॉट बाई थ्री जे कैप। तो अगर हम लोग वी नॉट बाई थ्री कॉमन ले लें तो अंडर ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का इनिशियली वेलोसिटी होगा दोस्तों, डायरेक्शन उसी को बोल रहे हैं कि मोशन का जो डायरेक्शन होगा उसका यानी जो वेलोसिटी होगा वो कितना आएगा वी नॉट बाई थ्री आई कैप प्लस जे कैप। तो ये हमारा रियल आंसर, और आप देख सकते हैं कि जो गिवन आंसर है दोस्तों वो कितना है -1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, जो क्या है दोस्तों गलत है, यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा गलत है, ठीक है, हमें पहचानना है कि कौन कौन ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन मैच करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम बिफोर कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज √2 v0। यानी कि जो हमारा पार्टिकल है जो मास एम है जिसका, उसका कोलिजन होने से पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर वेलोसिटी मेजर करें तो √2 v0 आएगा। देख लेते हैं आइए दोस्तों, जो हमारा वेलोसिटी होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा इनिशियली बिफोर कोलिजन, वी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए जिसका मास एम माने हम लोग, आई मतलब इनिशियली और कहाँ पे ना सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है, वो कितना होगा दोस्तों, तो आपको मालूम होगा कि उसका अपना रियल वेलोसिटी कितना है, देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट ए का रियल वेलोसिटी है वी नॉट आई कैप प्लस जे कैप, और सेंटर ऑफ मास का बिफोर कोलिजन कितना वेलोसिटी है वी नॉट बाई थ्री आई कैप प्लस जे कैप। तो किसी भी इस ऑब्जेक्ट का जिसका वेलोसिटी इतना है उसका अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी चाहिए तो दिस वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू दिस वेलोसिटी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे। तो देखिए हम लोग वही यूज कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है दोस्तों उसका वेलोसिटी कितना है, उसका ऑन वेलोसिटी है वी नॉट आई कैप प्लस जे कैप, उसमें अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वेलोसिटी दैट इज माइनस कर दिए हम लोग वी नॉट बाई थ्री आई कैप प्लस जे कैप, और ये जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का ही बिफोर कोलिजन है और ये सेंटर ऑफ मास का भी बिफोर कोलिजन है। तो आप देखिए अब आप आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट को एक साथ कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट और बाकी जो जो आ रहे हैं कॉमन वगैरह, यहाँ से आई कैप प्लस जे कैप कॉमन आ गया, आई कैप प्लस जे कैप कॉमन आ गया, वी नॉट कॉमन आ गया, तो बचा कितना दोस्तों 1 -1/3।
आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व वोल्व करने के बाद जो आ रहा है हमारा, ये 2/3 वी नॉट आ रहा है आई कैप प्लस जे कैप, यानी डायरेक्शन के साथ। आई कैप प्लस जे कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको मालूम है रूट अंडर आई का कोफिशियंट स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, जे का कोफिशियंट स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी √2 आने वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें दोस्तों, तो ये जो फैक्टर आप देख रहे हैं इससे क्या निकल के आने वाला है, 1√2 आने वाला है। तो कितना हो जाएगा, 2/3 वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई √2, यानी कि 2√2/3 वी नॉट। तो आप देख सकते हैं कि हम बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट ए का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी निकाल चुके हैं, और वो कितना आ रहा है, 2/√2/3 इंटू वी नॉट। और जो आंसर में मतलब ऑप्शन बी में बोल रहा था वो सिर्फ था √2 वी नॉट, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या है दोस्तों, गलत है। अब आते हैं ऑप्शन सी चेक करते हैं भाई। ऑप्शन सी में कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन हो जाने के बाद, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ मास 2m इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज √2/3 वी नॉट। यानी कोलिजन हो जाने के बाद जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल होगा मास 2m के साथ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, वो कितना होगा, √2/3 वी नॉट। तो आइए देखते हैं भाई इसको भी सॉल्व करके। इसके लिए कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है दोस्तों, आपको अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, हमको लग रहा है यहाँ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है सबसे पहले, तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लीजिए, इसको एनर्जी नहीं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की बात करें तो मान लेते हैं कि इनिशियली उसका वेलोसिटी v1 था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, तो मास m वेलोसिटी v1 प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास 2m, इनिशियली वेलोसिटी 0 था, इज इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m, और मान लेते हैं कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 प्राइम हो गया, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास 2m, और मान लेते हैं कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v2 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करके v1 निकाल लीजिए, तो कितना आएगा, v1 प्राइम प्लस 2v2। तो यहाँ से v2 अगर निकालेंगे यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दोस्तों, तो कितना आने वाला है, v1 माइनस v1 प्राइम बाई 2, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपको दोस्तों चूंकि क्वेश्चन बोला है इलास्टिक कोलिजन है, तो अल्सो फॉर इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू कितना होता है, ये जो ई होता है 1 होता है दोस्तों, कोफिशियंट ऑफ रिस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। अब ई का वैल्यू 1 है और ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम है कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इनिशियल मतलब आफ्टर कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोलिजन के पहले वेलोसिटी का डिफरेंस। तो कोलिजन होने के बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी v2 माने हैं और पहला का v1 प्राइम माने हैं, तो ये आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी डिफरेंस होगा इतना होगा, और इनिशियल पहला का है v1 और दूसरा का है 0, तो v1 माइनस 0 v1। तो ये e का फॉर्मूला हो गया, और e का वैल्यू v2 माइनस v1 प्राइम बाई v1 हो गया बाय डिफिनेशन, और चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो इसको 1 से कंपेयर कर दें जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। अब इसको भी सॉल्व करके एक इक्वेशन आने वाला है दोस्तों, v1 प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, v2 माइनस v1, इसको मान लिया हम इक्वेशन 2। अब यहां पे जो आपको v2 दिख रहा है, तो v2 इज इक्वल टू, ये देखिए v1 रहने दिए, v1 माइनस v1 प्राइम के जगह पे ये रख दिया v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आइए फर्दर इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो v2 इक्वल टू आप देख सकते हैं माइनस ये v1 v1 2 v1, तो 2 v1 माइनस v2/2, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो v1 माइनस v2/2, तो 3/2 v1 इक्वल टू v1, तो v2 इक्वल टू 3/2 मैग्नीट्यूड ऑफ v1। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी निकला वो 2/3 मैग्नीट्यूड ऑफ v1 निकला, यानी 2/3 मैग्नीट्यूड ऑफ v1 हम लोग निकाल चुके हैं दोस्तों सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। कितना निकाल चुके हैं, 2√2/3 v0 सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, यानी 4√2/9 भी नॉट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी की बात करें आफ्टर कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम कितना आ रहा है दोस्तों, 4√2/9 भी नॉट माइनस √2/3 भी नॉट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का वेलोसिटी इतना है और इसका खुद का इतना है, तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आ रहा है, √2/9 भी नॉट आ रहा है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कितना आंसर दिया था, √2/3 नहीं, आई थिंक ये √2/9 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे या तो ये 9 मेरा 3 लिखा गया गलती से, या फिर
कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा, 9 नहीं 3 आना चाहिए, तो आप उसको देख लेंगे थोड़ा सा। बाकी ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, सही है। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 2m बिफोर कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज √2v0। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 2m बिफोर कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज √2v0। दोस्तों कोलिजन होने से पहले जो ऑब्जेक्ट बी है, जो मास 2m का ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी 0 है, और सेंटर ऑफ मास का बिफोर कोलिजन स्पीड कितना है, इतना है v0/3 i कैप + j कैप। तो ऑब्जेक्ट बी का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी कितना होगा, बिफोर कोलिजन 0 माइनस दिस मतलब v0/3 i कैप + j कैप। तो सिर्फ इसमें एक माइनस आ जाएगा इस रिजल्ट में, v0/3 i कैप + j कैप में, तो उतना होना चाहिए। और अगर मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो v0/3 और √2 -√2 v0/3 आएगा दोस्तों, या फिर बात पॉजिटिव साइन का तो आएगा √2 v0/3, क्योंकि i कैप + j कैप से √2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और ये v0/3 कॉमन है, तो √2 v0 तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन डी भी क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। अगर आप चाहें तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं दोस्तों। ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने निकाला है कि जो वेलोसिटी होगा सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो उसका खुद का इनिशियल वेलोसिटी 0 है माइनस सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं v0/3 i कैप + j कैप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं v0/3 कॉमन आ गया, और i कैप + j कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1² i का कोफिशियंट² यानी कि i का कोफिशियंट कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, और j का भी कोफिशियंट कुछ नहीं तो 1 है, तो j का + j का कोफिशियंट² यानी 1² तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक टर्म √2 मल्टीप्लाई होगा v0/3 में, तो v0/3 और √2 मल्टीप्लाइड है, और ऑप्शन में बोल रहा था √2v0 जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी सही है और डी गलत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेस्ट, ये हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आई थिंक ये थर्ड लॉ ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ पे बेस्ट है। जैम 2015 में पूछा गया था, आईटी गुवाहाटी सेट किया था क्वेश्चन दोस्तों, जैम 2015 में। क्वेश्चन है, सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर सेंटर्ड आर एट द अर्थ। ए सेकेंड सैटेलाइट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ मेजर एक्सिस 8r विद द क्या लिखा है ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, विद द ईट या क्या है, एट वन ऑफ द फोकाई। इफ द फॉर्मर टेक्स 1 day टू कंप्लीट 1 revolution ए रिवोल्यूशन देन लेटर वुड बी टेक। ठेठ भाषा में समझा दें कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, दूसरा एलिप्टिकल में मूव कर रहा है, सर्कुलर का रेडियस r है, और इसका सेमी मेजर एक्सिस जो है, सेमी मेजर एक्सिस इसका 8r है। ये चक्कर पूरा करने में सर्कुलर वाला 1 दिन ले रहा है, तो बोल रहा है दूसरा वाला पूरा करने में कितना दिन लेगा, तो कैपलर थर्ड लॉ यूज कर लेंगे। सेमी मेजर एक्सिस अगर ये पूरा 8r है तो इसका हाफ कितना होगा रेडियस का, अगर मतलब बात करें अगर हाफ सेमी मेजर एक्सिस का, 8r/2 यानी 4r होगा। ठीक है, और पहला टाइम पीरियड t1 1 day दिया है, t2 निकालना है, सबको मालूम ही है, खैर कोई बात ना। चलिए पहला का सेमी मेजर एक्सिस r मान लेते हैं जो सर्कुलर है, और दूसरा a2 का 8r मान लेते हैं, 8r मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, और पहला का t1 जो है वो 1 day दिया हुआ है दोस्तों, और t2 हमें निकालना है। पहला का टाइम पीरियड टाइम ऑफ रिवोल्यूशन 1 day दिया है, दूसरे का निकालना है t2 निकालना है। आपको कैपलर थर्ड लॉ मालूम होगा कि टी का स्क्वायर जो होता है टाइम स्क्वायर का स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का होल क्यू होता है। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। नाउ यू कैन सी दैट इस रिजल्ट को अगर आप यूज करेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिलेशन आता है t1/t2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू a1/a2 का होल क्यू। ठीक है, अब t1 कितना है दोस्तों 1 day, t2 कितना है निकालना है पूरा का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू a1 कितना है पहला का सेमी मेजर एक्सिस r, दूसरा का कितना है 8r, सॉल्व कर लीजिए पावर होल क्यू r r कट गया 1/8 का क्यू,
वन बाई एट का क्यू अगर करेंगे तो दोस्तों वन बाई एट का क्यू आप करना चाह रहे हैं, और वन बाई एट को लिख सकते हैं टू का क्यू, और ऑलरेडी ये थ्री, तो टू का पावर थ्री थ्री, समझ रहे हैं ना, और ऊपर से ये वन बाई टू, तो कट छट के जो आ रहा है वो 8 डे आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 डे आ रहा है। अब देखते हैं कि 8 डे ऑप्शन में है या नहीं है। तो यस ऑप्शन में 8 डे जगह ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि ये रिलेशन कहाँ से आ रहा है, मैं बता देता हूँ। जैसे टी स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू ए क्यू हो सकता है, तो यानी टी स्क्वायर बाई ए क्यू जो है दोस्तों इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, के बच गया, तो टी स्क्वायर बाई ए क्यू अगर कांस्टेंट हो गया ऐसे इनका जो कंपोनेंट होगा वो मस्ट भी इक्वल होगा, यानी कि टी वन स्क्वायर बाई ए वन क्यू मस्ट भी इक्वल टू टी टू स्क्वायर बाई ए टू क्यू। ठीक है, अब देखिए टी टू स्क्वायर को इधर ले आए उठा के, तो टी वन बाई टी टू का इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, और उधर ए वन, उधर क्या बचेगा, ए वन क्यू को उठा के उधर ले जाइए तो ए वन बाई, और नीचे ए टू है पूरा का होल क्यू हो जाएगा, तो रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ग्रेविटेशन पे ही है। क्वेश्चन है, आई थिंक आज जेम में कंफर्म हूँ, ये क्वेश्चन जेम 2014 का है, आईटी कानपुर का। क्वेश्चन है, एट एन इंस्टेंट सॉन थ्री पॉइंट मासेस एम टू एम एंड थ्री एम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड आर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ यूनिट साइड लेंथ। क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, कहा कि तीन मासेस हैं, एक स्मॉल एम है, दूसरा टू एम है, और तीसरा थ्री एम है, और तीनों एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में से एक ट्रायंगल रखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड लेंथ यूनिट है यानी वन 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 है, उसके तीन कॉर्नर पे ये रखे हुए हैं मास एम टू एम और थ्री एम। ठीक है, एज्यूमिंग दैट जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क ऑन द मास थ्री एम अबाउट द पॉइंट ओ एट दैट इंस्टेंट इज। उस इंस्टेंट पे जो मास थ्री एम है दोस्तों उस पे हमें लगने वाला टॉर्क का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है अबाउट द पॉइंट ओ। अब ये पॉइंट ओ कहाँ पे है ये डायग्राम में देख लेते हैं। ओके, सो डायग्राम में दे रखा है कि यहाँ पे ये पॉइंट ए है, मतलब अगर मास थ्री एम से अगर आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, तो ये जो पॉइंट ए है, मतलब ये जो पॉइंट है इसको एम ओ कह रखा है उन्होंने, और इसी पॉइंट ओ के अबाउट में ये जो मास थ्री एम है इसका टॉर्क और उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बताना है। ठीक है, तो वेक्टर लेके चलना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन तो मैं लिख रखा हूँ, बस थोड़ा सा सुबह सुबह है आप समझ सकते हैं, सुबह नींद खुलती है, आंखें खुलती है, और सबसे पहले दो चार गाना सुनने के बाद मेरा काम वीडियो बनाना होता है, लॉकडाउन में है। कुछ लोग इंटरेस्टेड थे कि भाई आप किस आईटी में हैं, तो अभी हमारी आईटी की काउंसलिंग लिस्ट आ गई है एंड आई हैव गॉट आईटी कानपुर इन द फर्स्ट एडमिशन लिस्ट। और आपको बताते चले कि कल ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी आ चुकी है आईटी जेएम 2020 की फर्स्ट, तो जो ऑल इंडिया रैंक वन है आईटी जेएम फिजिक्स का, उन्होंने भी आईटी कानपुर चूज किया है, और जो थ्री है वो आईटी बॉम्बे में है। तो ये कुछ टॉपर्स का हिसाब था फिजिक्स 2020 में, एंड ऑल्सो आई हैव गॉट आईटी कानपुर इन द फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, और अभी अपग्रेड पे डाल दिया है सेकेंड और थर्ड एडमिशन लिस्ट में, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो कानपुर में है, कानपुर में नहीं है, फिलहाल तो घर में है, और कॉलेज हमारी कानपुर हुई है, देखते हैं कब जाना होता है, लॉकडाउन में तो स्थितियां गंभीर है। आप सोच रहे होंगे कि लेक्चर के बीच में फालतू बातें क्यों, तो थोड़ा मैं भी इंटरटेन हो गया, फिजिक्स 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 लगातार बोल बोल के पागल हूँ मैं पिछले लॉकडाउन से। खैर फालतू की बातें छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे आई फोकस करते हैं। ठीक है, तो
हमें टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि फोर्स, आपको मालूम होगा कि जो टॉर्क होता है बच्चों, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे मास 3 m पे किसके किसके चलते फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन को कंसिडर करना है। पहले ही कह रखा है ऑप्शन में, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के टर्म में आंसर है, मतलब ये जो मासेस हैं इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और उसके चलते टॉर्क बताना है। तो मास m के चलते 3 m पे फोर्स लगेगा और मास 2 m के चलते 3 m पे फोर्स लगेगा और दोनों ही फोर्स के चलते टॉर्क लगेगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ है, भाषण पढ़ते हैं। सिंस द फोर्स एक्टिंग ऑन 3 m अलॉन्ग एक्स एक्सिस विल ओनली प्रोड्यूस टॉर्क, ऐसा क्यों भाई? वाई एक्सिस विल नॉट, चूंकि फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इज अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ ओ। या गुड दोस्तों, बहुत ही अच्छा इन्होंने बात कहा। क्या बात कहा, देखिए, कहा कि ये जो आपको मास एम दिख रहा है ना, इसके चलते मास 3 m पे जो भी फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये तो ना तो एक्स में ना तो वाई में, तो फिर से वेक्टर सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा ना, यानी एक्स वाई दोनों में तोड़ना पड़ेगा फोर्स का कंपोनेंट। तो एक फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग इस डायरेक्शन होगा और दूसरा अलॉन्ग इस डायरेक्शन होगा, समझ पा रहे हैं ना? तो अब बोलिए जो मास एम का जो फोर्स है वो दो डायरेक्शन में हो गया, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में। तो ये जो वाई डायरेक्शन वाला फोर्स है दोस्तों, इसके चलते कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि ये अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन है। ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है भाई, मतलब अलॉन्ग द उसी लाइन उसी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन के अबाउट टॉर्क निकालना है पॉइंट ओ के अबाउट में, समझ पा रहे हैं ना? यानी कि ये मास 3 m है और ये पॉइंट है इस, तो इनको इन लोग का टॉर्क का लाइन एक्शन ये है और ये जो फोर्स है वाई डायरेक्शन में मास एम का, वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस ये फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फोर्स अगर का डायरेक्शन ये है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। इसी डायरेक्शन में अगर मास 3 m का परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखेंगे तो जीरो, तो इसलिए फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसे भी दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, टॉर्क फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में साइन थीटा होता है, तो दोनों टॉर्क फोर्स भी इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इधर, तो कितना हो जाएगा रे, जीरो, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं ना? तो जीरो हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा रिजल्ट हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, सो लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग यानी वाई कंपोनेंट का जो फोर्स होगा वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो उसी तरह से अगर आप ये 2 m मास को देखेंगे तो इसका भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में, तो उसका एक कंपोनेंट टूटेगा, एक वाई एक्सिस कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट। तो वाई एक्सिस कंपोनेंट इसका भी जो फोर्स का है वो भी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ टॉर्क है, जिधर टॉर्क निकालना है। तो इस ये भी फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में, थीटा जीरो, साइन थीटा जीरो, साइन जीरो डिग्री जीरो, तो पूरा टॉर्क जीरो। तो टॉर्क प्रोड्यूस कौन करेगा भाई? तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फोर्स है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन के ठीक परपेंडिकुलर है, मतलब ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये वाला भी फोर्स जो है वो लाइन ऑफ एक्शन के ठीक परपेंडिकुलर है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना? तो वाई डायरेक्शन वाला फोर्स कोई भी 3 m मास पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा अबाउट पॉइंट ओ, सिर्फ ये और ये फोर्स करेगा। ये फोर्स कितना है भाई, मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कितना है, आइए देखते हैं फटाफट। तो चलिए, तो सबसे निकालते हैं फोर्स ड्यू टू द मास m इन द 3 m। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मालूम होगा ना, बहुत ही आसान है। जी पहला मास m, दूसरा मास 3 m और डिवाइडेड बाय दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यूनिट लेंथ का है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड सबका सेम है और यूनिट लेंथ है यानी 1 m, तो 1 स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आ गया, 3 gm² ये पहला का फोर्स है, F1 है। उसी तरह F2 है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन 3 m डी टू मास 2 m कितना हो जाएगा, जी 2 m 3 m और ये भी डिस्टेंस 1 है, 1 का स्क्वायर, तो 6 gm². तो ये मैग्नीट्यूड F1 F2 निकल गया, ठीक है। और आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव फोर्स होता है दोस्तों। यानी कि मास m जो भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा उसका नेचर क्या होगा, एट्रैक्टिव होगा, यानी कि अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा इस तरह से। अब ये जो F1 फोर्स है इसका दो कंपोनेंट होगा। अब अगर ये भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों कोण का सम 180 होना चाहिए। अब भैया ये भी बात है कि अगर ये 60 है और यहाँ से यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करे तो ठीक बीच में वो होता है, तो ये 30 और ये 30, जैसा आपको दिख रहा होगा 30 30 में डिवाइड हो गया। अब ये जो फोर्स, अच्छा भैया ये अगर 30 है तो ये 60 होगा, होगा ना? क्यों होगा, समझ सकते हैं, खैर कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये फोर्स F1 का एक कंपोनेंट इधर लगेगा अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग ये बीच वाला एक्सिस बाइसेक्टर जो वाई कंपोनेंट है, तो 30 के सामने वाला एक्सिस वाई एक्सिस है दोस्तों, तो इधर लगेगा कितना, F1 cos 30 और इधर लगेगा दूर वाला वाई एक्स एक्स एक्सिस वाला F1 sin 30।
उसी तरह जो F2 फोर्स है आप देख सकते हैं इसका सामने वाला कंपोनेंट y कंपोनेंट के सामने एंगल 30 डिग्री है, तो F2 का जो इधर वाला कंपोनेंट लगेगा वो कितना लगेगा, F2 cos 30 और इधर y एक्सिस x-axis की तरफ वाला कितना होगा, F2 sin 30। आप देख सकते हैं इतना तो समझ में आया होगा, आई होप सो। F1 sin 30 इधर लग रहा है नेगेटिव x-axis में और पॉजिटिव x-axis में F2 sin 30। ओके सो अब आप देखेंगे हम लोग फोर्स निकाल चुके हैं, उसका सॉल्यूशन भी कर चुके हैं, अब क्या निकालते हैं देखते हैं। सो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑन मास 3m, तो नेट फोर्स कितना होगा दोस्तों, एक फोर्स इधर लग रहा था F2 sin 30 और दूसरा इधर लग रहा था F1 sin 30, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और फोर्स एक वैक्टर क्वान्टिटी है दोस्तों। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना होगा, F2 sin 30 माइनस F1 sin 30, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। F2 कितना है दोस्तों हम लोग निकालें अभी, 6gm² और sin 30 का वैल्यू 1/2 माइनस F1 कितना है, 3gm² और sin 30 का वैल्यू 1/2। दोस्तों अब यहां से देखिए 2 to 3 हो गया और ये 3/2 1.5 हो गया, तो 3 - 1.5 यानी 1.5 यानी 3/2gm² और डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोग किस में किधर घटा रहे हैं, ये बड़ा फोर्स है इसमें छोटा फोर्स को घटा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा फोर्स में छोटा फोर्स घटा रहे हैं, तो बड़ा फोर्स के अलोंग ही डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट दोस्तों, यानी कि इस F2 sin इधर था प्लस आई कैप डायरेक्शन में था, तो फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी होगा प्लस आई कैप, समझ पा रहे हैं ना। ओके तो एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस हो गया 3/2gm² मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया प्लस आई कैप यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। अब दोस्तों हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर कितना होगा भैया चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फोर्स है फोर्स का डायरेक्शन यहाँ से इधर हो गया इस तरह रिजल्टेंट फोर्स आई प्लस आई कैप में और ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये जो फोर्स है उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से कुछ है, ये है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और ये है उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना है डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हमें चाहिए, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर ये दोस्तों 1 मीटर है तो ये यहाँ से यहाँ 1/2 मीटर होगा ना, तो ये 1 मीटर और ये 1/2 मीटर, तो ये कितना होगा भैया चले ट्रायंगल रूल लगा लेते हैं, रूट अंडर ये 1 है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 1 माइनस ये बेस का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो हमको लगता है 1 - 1/4 4 रूट के यहाँ आ जाएगा 4 - 1/4 यानी कि रूट थ्री बाई टू आने वाला है, ठीक है। हमने पहले क्या करिए L के टर्म्स फैल के टर्म्स में निकाला, इसे भी L को 1 रखेंगे तो √3/2 ही आने वाला है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा निकल चुका है √3/2 और चूंकि पॉइंट O से हमें मास 3m की ओर निकालना है, तो अलॉन्ग दिस एक्सिस डायरेक्शन एक्सिस ये हो जाएगा यानी पॉजिटिव y एक्सिस की ओर, ठीक है। तो √3/2 r का वैल्यू हो जाएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाएगा प्लस j कैप, ठीक है, क्योंकि पॉइंट O से मास 3m पे टॉर्क निकालना है, तो इधर होगा डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग r निकाल चुके हैं, वेक्टर r यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर, तो √3/2 उसका मैग्नीट्यूड है दोस्तों और जो l है उसका लेंथ है साइड लेंथ और चूंकि वो यूनिटी दिया हुआ है हम लोग इसे यूनिटी लेके पहले ही सॉल्व कर सकते हैं, तो l कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये √3/2 और डायरेक्शन क्या है प्लस j कैप है, ठीक है। अब हमने को टॉर्क निकालना है दोस्तों, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ निकालना है, तो टॉर्क कितना होगा r क्रॉस f होगा और r हमारा कितना है √3/2 आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये l 1 हो गया और डायरेक्शन j कैप है, तो √3/2 r का मैग्नीट्यूड है और f का मैग्नीट्यूड कितना है 3/2gm² और यहाँ पे चूंकि दोनों का क्रॉस है तो क्रॉस होगा तो डायरेक्शन का होगा ना, तो r का डायरेक्शन है j कैप और फोर्स का डायरेक्शन है i कैप, तो j क्रॉस i ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा है, आ रहा है 3/√3/4gm², ठीक है। तो जो है सो है और ये जे क्रॉस आई भैया कितना होगा, तो आइए देखते हैं, ये इस तरह से कुछ रूल होता है आई कैप जे कैप के कैप साइक्लिक चलता है, तो जे क्रॉस आई रिवर्स चलेंगे तो जे क्रॉस आई के बाद के मिलेगा, लेकिन हम लोग रिवर्स साइकिल चल रहे हैं तो माइनस के होगा, तो डायरेक्शन भी मिल गया भैया माइनस के कैप। तो इतना टॉर्क लगेगा मास 3m पे अबाउट पॉइंट O डी टू द अदर मासेस, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा उसका माइनस के कैप होगा, ठीक है। माइनस के कैप का मतलब क्या है दोस्तों, इन टू द पेज 3/√3/4gm² माइनस के कैप मतलब इन टू द पेज, समझ पा रहे हैं ना। जैसे हम लोग थे इसको एक्स एक्सिस माने थे, इसको वाई एक्सिस माने थे, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा हमारा जेड एक्सिस होगा, लेकिन अगर माइनस जेड एक्सिस मतलब इन टू द पेज अंदर की ओर इसे पॉइंट आउट करेगा पेज से अंदर की ओर, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो है ये आउट ऑफ द पेज है, तो इन टू द पेज क्या होगा माइनस जेड यानी माइनस के कैप।
तो चलिए अब आंसर मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए में जीरो कह रहा है जो गलत है, ऑप्शन बी में कह रहा है थ्री बाई टू, ये थ्री बाई टू थ्री बाई टू थ्री थ्री रूट थ्री यानी थ्री रूट थ्री बाई टू, लेकिन नीचे तो हम लोग का फोर था, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है थ्री, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में देखिए थ्री बाई फोर यानी थ्री भी है, रूट थ्री है, थ्री रूट थ्री बाई फोर, और ये जी और ये एम स्क्वायर यानी ठीक है, मैग्नीट्यूड तो मिल गया और डायरेक्शन क्या बोल रहा है, गोइंग इन टू द पेज। यस ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और हमारे साथ इतना देर वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सिर्फ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसान है तो सॉल्व कर लेंगे और हार्ड है तो बाद में देखेंगे। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी ग्रेविटेशन चैप्टर से है। ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड ए प्लेनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट सेंटर, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज टी। इफ द सेम सैटेलाइट इज टेकन टू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस फोर आर अराउंड द सेम प्लेनेट द टाइम पीरियड वुड बी। मतलब भैया खेल सीधा सा है, पहले ये आर रेडियस में चल रहा था, फिर ये फोर आर रेडियस में घूमने लगा। तो पहला सेमी मेजर, पहला ए वन को आर मान लेते हैं, ए टू को फोर आर मान लेते हैं। पहले इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी था और बाद में क्या होगा, यानी टी वन को टी मान लेते हैं और टी टू क्या होगा, वाट निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, एक सैटेलाइट है उसके अराउंड में मूव कर रहा है, पहले आर रेडियस में और फिर फोर आर रेडियस में। इनिशियली टाइम पीरियड टी था और फाइनली टाइम पीरियड क्या होगा, इसको निकालना है। दोस्तों आपको कैपलर्स लॉ, अभी आपको थर्ड कैपलर्स थर्ड लॉ मालूम होगा कि जो टी स्क्वायर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, जहाँ पे क्या होता है दोस्तों टी जो है हमारा टाइम पीरियड होता है और ए क्या होता है सेमी मेजर एक्सेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग ऐसा करें कि टी स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू ए को पावर थ्री, तो यहाँ से क्या निकलेगा, टी स्क्वायर बाई ए क्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। इसका मतलब है टी स्क्वायर बाई ए क्यू जो है दोस्तों ये कांस्टेंट के बराबर हो गया, यानी कि जो टी स्क्वायर बाई ए क्यू का डिफरेंट कंपोनेंट होगा, जैसे टी वन स्क्वायर बाई ए वन क्यू, टी टू स्क्वायर बाई ए टू क्यू, ये सब क्या हो गया दोस्तों आपस में बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं, यानी कि टी वन स्क्वायर बाई ए वन क्यू मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, टी टू स्क्वायर बाई ए टू क्यू, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस टी टू स्क्वायर को उठा के आप यहाँ पे ले आइए और इस ए वन क्यू को उठा के आप यहाँ पे ले जाइए, तो क्या बन जाएगा, टी वन बाई टी टू स्क्वायर इधर हो जाएगा और उधर हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे ए वन क्यू ले आए और ऑलरेडी नीचे में क्या था, ए टू क्यू था। अब दोस्तों आप ये जो टी वन बाई टी टू एस पूरा का अगर हॉल स्क्वायर लिख दे तो कोई बात नहीं, और ए वन बाई ए क्यू जो है इसका पूरा का एक अगर हॉल क्यू लिख दे तो भी चलेगा। तो यानी टी वन बाई टी टू का हॉल स्क्वायर मस्ट भी इक्वल टू ए वन बाई ए टू का हॉल क्यू, ये फॉर्मूला आप याद रखें दोस्तों, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैपलर्स थर्ड लॉ पे, खूब सारे सवाल इस पर आते हैं। तो अब आइए देखते हैं, यही फॉर्मूला हम देखें यहाँ पे लिखे हैं जो यूज करने वाले हैं, टी वन बाई टी टू का स्क्वायर मस्ट भी इक्वल टू ए वन बाई ए टू का हॉल क्यू, और टी वन जो है फर्स्ट सैटेलाइट के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो उसका टाइम पीरियड है वो टी है, और टी टू जो सेकेंड ऑर्बिट में टाइम पीरियड वो निकालना है, इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आर है ए वन, और ए टू कितना है फोर आर है सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर और ये आर कट गया दोस्तों, तो क्या बचा, वन बाई फोर का पावर थ्री। तो इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से देखिए आपको क्या मिला, टी बाई टी टू इज इक्वल टू वन बाय आर का पावर, ये थ्री है और ये पावर टूट के उधर चला जाएगा तो थ्री बाई टू पावर हो जाएगा थ्री बाई टू, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वन बाई फोर का पावर थ्री बाई टू, ठीक है। और फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू के स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, और ये ऑलरेडी पावर एक क्या है उसका मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाई टू है। देखिए हम फोर को क्या लिख दिए, टू का स्क्वायर लिख दिए और ये ऑलरेडी पावर उससे मल्टीप्लाइड है थ्री बाई टू, तो ये पावर मल्टीप्लाइड हो गया थ्री बाई टू। देखिए टू और ये टू कट गया तो बचा क्या, टू का पावर थ्री, वन बाई टू का पावर थ्री का मतलब है दोस्तों टू का पावर थ्री एट, यानी वन बाई एट। तो टी बाई टी टू इक्वल टू वन बाई एट, तो टी टू को उधर ले जाइए और एट को इधर ले जाइए, यानी कि टी टू इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, एट इंटू टी आ गया। यानी कि जो सेकेंड ऑर्बिट में टाइम ऑफ रिवोल्यूशन होगा दोस्तों, वो फर्स्ट ऑर्बिट के जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है उसका 8 टाइम्स मोर होगा, यानी ज़्यादा होगा, ठीक है।